अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं लोग। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक पेज पर कैरोसेल पोस्ट कैसे बनाई जाती है। दोस्तों बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि ये आपके सामने एक कैरोसेल ऐड दिखाई दे रही है, ये जो ना दोस्तों इस पे जो ना ऐड पे आपको पता है कि पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन इस तरह के जो ना आप फ्री में भी पोस्ट बना सकते हैं अपने पेज पर। तो दोस्तों वो कैसे बनानी है, क्या तरीका है, मैं आपको ए टू जेड इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आप नॉर्मली पोस्ट करते हैं वहाँ पे ये जो आपको ऑप्शंस अभी नहीं मिलता, ये पहले ऑप्शंस आपको मिलता था, लेकिन आपको पता है कि डेली बेस पे फेसबुक पर वो जो ना चेंजेस होती रहती हैं, तो ये चीज़ें जो ना अपडेट डेली बेस पर होती रहती हैं, तो इसलिए जो ना ये अभी वहाँ पर आपको फ़ीचर नहीं मिलेगा। ये अभी फ़ीचर जो ना आपको मैं आपको बताऊँगा लास्ट वीडियो में कहाँ पर मिलेगा और कहाँ पर जो ना आप कैरोसेल पोस्ट जो है वो पब्लिश कर सकते हैं अपने पेज पे। दोस्तों वो किसी भी प्रोडक्ट की अगर करना चाहते हैं, अपने वीडियो की करना चाहते हैं, कोई भी पोस्ट आप करना चाहते हैं अपने वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी है, तो वो आप इजीली जो है अपने पेज पर बना सकते हैं। सो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना। दोस्तों काफ़ी सारे वो दोस्त होते हैं वो वीडियो को जो है स्किप कर देते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछते हैं सर ये कैसे हुआ, हमारे पास नहीं हो रहा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी क्लिक करें, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं और शुरू करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल जो है ना यहाँ पे आना है business.facebook.com पे आना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे business.facebook.com पे आना है और आने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑल टूल्स पे। दोस्तों ऑल टूल्स पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्लिक करना है यहाँ पे एड्स मैनेजर पे, ठीक है दोस्तों। एड्स मैनेजर पे अब आपके माइंड में ये बात आ गई थी यहाँ पे कोई पैसे हमने खर्च करने पड़ेंगे एड्स मैनेजर के, दोस्तों बिल्कुल भी एक रुपया भी आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा, आपकी विदाउट एनी पे आपकी जो ना वो ट्राउजल पोस्ट बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब आपको आना है ऑल टूल्स पे, यहाँ पे तीन डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो ना आपको पेज प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप पेज प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो फिर जो ना आगे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा, ये जैसे लोड हो जाए दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी आपके पेज पर पोस्ट होंगी वो आपको यहाँ पे शो होंगी, लेकिन अभी मेरे पास एक भी वो जो ना पेज पर पोस्ट नहीं रखी शेयर की हुई है, क्योंकि ये मेरा पेज जो ना मैंने ऐसे डमी तौर बनाया था, कोई आपको कोई ट्यूटोरियल जो ना समझाने के लिए बनाया था पहले कोई, तो इस पे कोई भी मैंने पोस्ट अभी तक वो पब्लिश नहीं की है, ऐसे मैंने डमी पेज बनाया था, ठीक है। तो अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट पोस्ट। दोस्तों अब आपके माइंड में ये बात आएगी कि ये जो है ना हमें वहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे हम नॉर्मली पोस्ट शेयर करते हैं, दोस्तों वहाँ पे आप ऑप्शन ये तो मिल जाता है, लेकिन आपको ये कैरोसेल पोस्ट का जो ना ऑप्शन नहीं मिलता। तो अब जो है आपको मैं करके दिखाता हूँ, क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है दोस्तों। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जैसे लोड हो जाए मैं आपको आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। अब जो आपको यहाँ पे फ़ोटो वीडियो पे क्लिक करना है दोस्तों, फ़ोटो वीडियो पे क्लिक करने के बाद अब आपको आगे जो ना ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको यहाँ पे क्रिएट अ फ़ोटो कैरोसेल पे क्लिक करना है दोस्तों। ये जो ऑप्शन मिल रहा है आपको 5 नंबर पे, ये इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो ना यहाँ पे यूआरएल, जो भी यूआरएल हो आपके प्रोडक्ट की हो, आपके वेबसाइट की हो, चाहे आप कोई भी चैनल यूट्यूब का चैनल है उस पे आप ट्यूटोरियल की कोई क्राउजर रखना चाहते हैं तो उसकी भी आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों टोटल जो ना आपके माइंड में बात, ये माइंड में बात होनी चाहिए कि आपके क्लाइंट की पोस्ट हो चाहे अपनी हो, उसको ये बताना है कि एक क्राउजर में जो ना कम से कम वो 10 इमेज आती हैं स्लाइड्स, ठीक है। तो लास्ट जो स्लाइड होगी वो जो ना पेज की होगी, पेज की लिंक होगी उस पर, ठीक है। तो ये आपके माइंड में बात होनी चाहिए। तो और उसके अलावा ये इसकी साइज़ जो होती है ना वो 1080x1080 की होती है, ठीक है। ये आपके और ये कहाँ पे जो ना आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, ये कहाँ पे बनाते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे कानवा पे आना है और कानवा में यहाँ पे क्राउजल जो है ना सर्च बार में लिखना है, बहुत सारी जो ना आपको पोस्ट मिल जाएगी, जैसे कि मैंने अभी जो ना ये आपको समझाने के लिए ये पोस्ट मैंने यहाँ से उठाई है, ठीक है। तो अब जो है मैं वापस चलता हूँ, आपको जो ना ये एडिट कर लेनी है, इजी है बहुत। अब आपको यहाँ पे जो ना मैंने अभी जो ना एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ मेरे अपने चैनल की जो ना लिंक मैंने कॉपी की है, ठीक है। और ये जो लिंक है ये मैंने यहाँ से कॉपी की और यहाँ पे
पेस्ट कर दिए। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है एरो पे। दोस्तों एरो पे क्लिक करने के बाद आपको जो ना अपने चैनल का जो प्रोफाइल पिक होगी वो शो होगी, और यहाँ पे आपको इमेज सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये 5 इमेज मैं पहले सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो है क्योंकि एक बार में आप सिर्फ 5 सेलेक्ट कर सकते हैं, और 3 जो है बाद में सेलेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों टोटल जो इमेज थी मेरे पास वो 8 थी, और 9th ये थी प्रोफाइल। तो अब जो है ना इसको मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ, बाकी जो है वो सेलेक्ट रहने देता हूँ। अब ये जो लोड हो रही है फीचिंग प्रीव्यू, जैसे ये लोड हो जाए सारी मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों अब आपको यहाँ पे इसको जो है ना वो करना है, डिसलेक्ट करना है, और यहाँ पे ये आपको सारी जो है ना मिल जाएगी। अब देखें ये फर्स्ट हमारी स्लाइड, ये सेकंड, ये देखें, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग। ठीक है, और ये ऐसे मैंने लिख लिया है। और अब जो है ना आप अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, ये जो है ना यहाँ टेक्नल लिखा हुआ है, अगर आपका प्रोडक्ट है आप यहाँ प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, और इसकी यूआरएल भी आप हर जो है होती है उसकी यहाँ पे एडिट यूआरएल पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसकी यूआरएल भी चेंज कर सकते हैं। हर इमेज के पीछे आप डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल, अगर आपका प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो प्रोडक्ट्स की जो यूआरएल यूज़ कर सकते हैं ये आपके सामने। और लास्ट में देखें ये पेज की जो है ना वो लिंक आ गई है। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, ये जो ना सारी हो गई अपलोड हो गई, और अब जो है ना आपको इसको शेयर नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही शेयर नाउ पे क्लिक करोगे तो ये जो ना कुछ टाइम के अंदर जो ना ये हो जाएगी अपने, ये आपके सामने है। ये मैं आपको दिखाऊं अभी जो है ये आपके सामने है। दोस्तों पोस्ट प्रीव्यू पे आते हैं, और यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये आपके सामने है, हो गई। आप जो है ना ये देखें